बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बच्चों, किस साल का है इसका खबर? मज़ेदार क्या के हैं? नया साल हमारे लिए उम्मीद, खुशी और खुशहाली का साल साबित होगा। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीजाब कमाल खान, नया साल नई उमंग और खुशहाली की नवीद साबित होगा। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात मोहतरमा बुशरा ने तलाब के शहरियों को शदीद सर्दी के बावजूद गैस बिजली की बंदिश का सामना है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी नायब सदर प्रिंस मूसा जान अहमद सही बोलो, लसबेला के साहिल समंदर में सीपी के शिकार पर पाबंदी के लिए डिप्टी कमिश्नर लसबेला से दफा 144 के नफाज की दरख्वास्त। खुजदार नेवी स्पोर्ट की बड़ी अहम कार्रवाई, मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। मुसाफिर खानों में गैस लीकेज के बाइस छोटा धमाका, कोयटा हजारगंजी ट्रक अड्डा। खुजदार में कौमी शाहरा पर ट्रैफिक हादसा, बाप बेटी समेत 3 अफराद जाबहक। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, मजीद 61 पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार करके राहदारी गेट के मकाम पर तफ्तार नेवी इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। अब खबरें तफसील के साथ। साल नौ की आमद पर वजीर आला बलोचिस्तान मीरजाम कमाल खान ने नए साल की आमद पर तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। नया साल हमारे लिए उम्मीद, खुशियों और खुशहाली का साल साबित होगा। नए साल के मौके पर हमें बतौर कौम इत्तेहाद, यकजहती और पूरी लगन के साथ तरक्की और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात मोहतरमा बुशरा ने कहा है कि नया साल नई उमंग और खुशहाली की नवीद साबित होगा। नए साल में सूबाई हुकूमत नए अज़म और जोश जज्बे से तरक्की और खुशहाली के मनाजिल तय करने के लिए पुरअज़म है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में आवाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके इस मर्ज को शिकस्त देने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल पैरा हो। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी नायब सदर प्रिंस मूसा जान अहमद जई बलोच ने कहा है कि कलात का शुमार मुल्क के 70 इलाकों में होता है। बदकिस्मती से कलात के शहरियों को शदीद सर्दी के बावजूद गैस बिजली की बंदिश का सामना है। तारीखी शहर और उसकी आवाम को हर दौर में नजरअंदाज किया गया है। नए साल में तारीखी शहर के वासियों को उनके तमाम बुनियादी हकूक लेकर देंगे, इसके लिए तमाम सियासी जमायतों को साथ मिलाएंगे। डायरेक्टर फिशरीज लसबेला खालिद अब्दुल्ला और असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज मदीहा जावेद की जानिब से अवामी शिकायत पर लसबेला के साहिल समंदर में सीपी के शिकार पर पाबंदी के लिए डिप्टी कमिश्नर लसबेला से दफा 144 के नवाज की दरख्वास्त की गई है। वाजह रहे कि मकामी माहीगीरों की जानिब से शिकायत आ रही थी कि लसबेला के साहिल समंदर में सीपी के शिकार पर पाबंदी आयद की जाए। खुजदार नेवी फोर्स की बड़ी अहम कार्रवाई, मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। 88 किलो बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। लेवीज फोर्स की कार्रवाई के बाद डिप्टी कमिश्नर खुजदार मोहम्मद वली बड़ेज की मीडिया कॉन्फ्रेंस। उनके मुताबिक ये बारूदी मवाद 350 तबाही मचाने वाले बमों में इस्तेमाल हो सकते थे। ये बारूदी मवाद गाड़ी में कहां से लोड और किस शहर में मुंतकिल किए जा रहे थे, इस हवाले से तफ्तीश जारी है। कोयटा हजारगंजी ट्रक अड्डा अली पैलेस होटल के मुसाफिर खानों में गैस लीकेज के बाइस जोरदार धमाका हुआ। धमाके में एक गाड़ी ड्राइवर मुसाफिर झुलस कर शदीद जख्मी हुए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका इतनी जोरदार था कि होटल को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे होटल के दरवाजे और शीशे मुकम्मल तबाह हो गए। इस मौके पर होटल मालकान का कहना था कि धमाका आज सुबह 6:20 पर हुआ। खुजदार में कौमी शाहरा पर ट्रैफिक हादसा, अलमनाक वाके में बाप बेटी समेत 3 अफराद जाबहक, 2 बेटी शदीद जख्मी। वर्ल्ड लेवीज के मुताबिक कोयटा कराची कौमी शाहरा वही के मकाम पर कोयटा से कराची जाने वाली कार मुखालिफ सिमत से आने वाली ट्रक के साथ तसादुम के नतीजे में सैयद शमसुल्ला वल्द हाजी खुदाई रहीम, बीबी शाकरा जौजा हैदर शाह, बीबी अस्मा मौके पर जान बहक हो गए, जबकि आबिद शाह और मंजूर शाह शदीद जख्मी हो गए। लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 61 पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार करके राहदारी गेट के मकाम पर तफ्तान लीवीज इंतजामिया के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से ईरान में जाने वाले 61 पाकिस्तानी बाशिंदों को ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार कर लिया, जो के बगैर सफरी दस्तावेजात के सफर कर रहे थे। अब चलते हैं मौसम के अहवाल की जानिब। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में मौजूदा दर्जा हरारत -3, ज़ियारत में -6, कलात में -4, बलूचिस्तान के साहरी इलाका गवादर में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
सीपी में मौजूदा दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नोकुंडी में मौजूदा दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोयटा में हवा में नमी का तनासब 19%, गवादर में 25%, सीपी में 39, नोकुंडी में हवा में नमी का तनासब 17% रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashreq.com.pk।